लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। शराब की कीमत 10 जून से शराब ब्रांडों पर लगाए गए विशेष कोरोना शुल्क को वापस लेने का निर्णय लेने वाली दिल्ली सरकार के साथ शहर में आने के लिए निर्धारित है। 6 जून तक सरकार ने शुल्क के माध्यम से लगभग 209 करोड़ रुपए कमाए। शुल्क के साथ दूर करने का निर्णय प्रत्येक शराब ब्रांड के 70% MRP पर निर्धारित शनिवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। शुल्क 5 मई को लगाया गया था। हालांकि मंत्रिमंडल ने दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में बिकने वाली सभी श्रेणियों की शराब पर लगने वाले वैट को 20% से बढ़ाकर 25% करने का भी निर्णय लिया। नतीजतन शराब की कीमत 5 मई से पहले के स्तर से थोड़ी अधिक रहेगी। शुल्क वापस लेने का निर्णय आबकारी विभाग के इनपुट के आधार पर लिया गया था कि इसे बनाए रखने से पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हो सकता है। दिल्ली में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत शराब है। 2020 से 21 के वार्षिक बजट में सरकार ने कुल राजस्व अनुमानों से 6,279 करोड़ रुपए का राजस्व कुल राजस्व अनुमानों का 14% अनुमानित किया था। 4 मई से जब शराब की दुकानें खुलने लगी और 6 जून को 304 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। कोरोना शुल्क 5 मई को लागू हुआ, इसलिए 4 मई की बिक्री को छोड़कर कोरोना शुल्क के रूप में कुल राशि लगभग 209.3 करोड़ रुपए आती है, जो एक वरिष्ठ उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारी ने कहा।